हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का बेबी बूट। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कलर की बूल ली है, 10 नंबर सलाई ली है। और देखिए ये 1 साल से लेके करीब 3 साल के बच्चे के इजीली आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको 19 फंदे से बनाना स्टार्ट किया है। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 12 फंदे से स्टार्ट कर लीजिए और ये 8 रो बना के कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये डिजाइन डाल दीजिए, या फिर आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें फंदे डालेंगे। तो ऐसे देखिए, ये देखिए बिल्कुल सिंपल फंदे ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से फंदे ले सकती हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से हम यहाँ पे 19 फंदे ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 19 फंदे हमने ले लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब देखिए यहाँ से हम दोनों तरफ से इसको ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। लास्ट तक हम इसे उल्टा बुनते हुए जाएंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया, पलट लेंगे। अब देखिए एक तरफ से हम इस फंदे को उतारेंगे और बूल अपने तरफ करके उसके बाद इधर से हम उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये दोनों तरफ से बुनते हुए जाना है। ऐसे देखिए इधर से हमने इसको बुन लिया और सीधे तरफ से हम इसे उतार लेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बूल ऐसे अपने तरफ करना है, यहाँ से वापस उल्टा बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 13 रो बना के कंप्लीट करेंगे। अगर आप छोटा बना रहे हैं तो कम रो बनाइए और बड़ा बना रहे हैं तो और ज्यादा रो बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम ये 2 आ गई हैं, दूसरी ये गांठ स्टिच यहाँ पे है। 13 बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 रो इधर से बनाई हैं। तो यहाँ से 12 रो इधर से बनाई हैं। तो वो टोटल हमने 25 रो बनाई हैं दोनों तरफ की। अब देखिए यहाँ से 26वीं रो है जिसमें हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3 इस वाली बूल को हम साथ में ले जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये देखिए पूरे 19 फंदे हमने ब्लू कलर से बुन लिए। अब इधर से हम इस फंदे को उतार लेंगे, बूल अपने तरफ करेंगे। यहाँ से पूरी रो हम लास्ट तक उल्टा ही बुनते हुए जाएंगे ऐसे। इस तरह से लास्ट तक हमने इसको बना लिया। इसकी ब्लू कलर की 2 रो कंप्लीट हो गई। एक इधर से उल्टी और एक सीधी तरफ से उल्टी। अब देखिए जो पहला वाला कलर है उससे हम बनाएंगे येलो कलर से, तो यहाँ से हम देखिए अब दोनों इसकी बनाएंगे, लेकिन इसमें हम सारे फंदे नहीं बुनेंगे। अब हम यहाँ से इसमें डिजाइन डाल रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे हमने 13 फंदे बुने और देखिए 3 और 3 6 फंदे ब्लू कलर के ऐसे ही छोड़ देंगे। यहीं से हम पलट लेंगे, यहाँ से हम इधर से इसको उल्टा बुनेंगे ऐसे। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे येलो की भी 2 रो कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से दूसरे कलर से ब्लू कलर से बुनेंगे 1 2 3 4। अब ब्लू कलर से हम सारे फंदे बुन लेंगे, पूरी रो लास्ट तक हम इसी कलर से बना लेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे यहाँ से हमने सभी फंदे इस कलर से बना लिए। यहाँ से हम पलट लेंगे और इस फंदे को उतार के बूल अपने तरफ करके यहाँ से हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। इस तरह से ये देखिए 2 सलाइयाँ हम बनाते हुए जाएंगे अभी इस तरह से। अब 2 सलाई हमारी ये ब्लू कलर की कंप्लीट होती हैं। अब यहाँ से हम फिर से येलो कलर लगा लेंगे। देखिए 1, अब हम फिर से 13 फंदे ही बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 देखिए येलो तक ही। और यहीं से हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे। अब देखिए इसी को रिपीट करते हुए हम जब येलो से बनाएंगे तो सिर्फ 13 फंदे बुनेंगे, ब्लू से बनाएंगे तो सारे फंदे बुनेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ये रो बना लेते हैं, फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं। ब्लू कलर की 10 रो आ जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमने इसके बीच का भाग बना लिया है और देखिए ब्लू कलर की हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो डाली हैं और येलो कलर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हम यहाँ से येलो कलर लगा लेंगे इस तरह से। अब पूरा हम येलो कलर से ही दोनों तरफ से बना के कंप्लीट करेंगे। उल्टा उल्टा बुनना है सिर्फ। ये देखिए बीच में ये डिजाइन रहेगा और इधर और उधर दोनों तरफ येलो का रहेगा। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब देखिए इधर से भी हम उल्टा ही बुनेंगे और देखिए जितनी रो हमने इधर डाली है उतनी ही हम इधर डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रो डाली हैं, तो हम 13 डाल लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इधर भी 13 रो बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए हम उल्टे तरफ हैं, जहाँ से हम सभी फंदे बंद करते हुए कंप्लीट करेंगे। ऐसे दो का एक करते हुए वापस इस फंदे को ऐसे, ये देखिए इनको ज़्यादा टाइट नहीं आपको बंद करना है। जैसे आपने जितने लूज फंदे डाले हैं उसी हिसाब से इनको आपको बंद करना है। तो हम इनको बंद कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सारे फंदे बंद कर दिए। अब हम इसको इसमें से निकाल देंगे तो यहाँ पे नॉट लग जाएगी। ये बन के कम्प्लीट हो गई। अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई के लिए हम इसे ऐसे पहले देखिए यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक सिलते हुए आएंगे। इस तरह से देखिए इसको आपको ऐसे मिलाते हुए पकड़ना है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। ये देखिए इसको भी हम येलो वाले पार्ट्स को मिलाते हुए ही सिलेंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ तक हमने ये ऐसे सिल दिया। अब देखिए इसको आप चाहें तो सीधा भी सिल सकते हैं या फिर देखिए हम दूसरा तरीका भी एक बताते हैं, इससे गोलाई भी अच्छी से आ जाती है। आगे से ऐसे हम इसको सिलेंगे। ये देखिए हम एक साइड का अभी सिल रहे हैं ऐसे और यहाँ से वापस देखिए इतना हम सिलते हुए आएंगे इस तरह से जहाँ से ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये इस तरह से राउंड शेप में सॉक्स आ जाती है। आप चाहें तो सीधा भी सिल सकते हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे कर लीजिए। ये हमने यहाँ देखिए यहाँ से सिल के कंप्लीट किया। इसको हम पक्का कर देंगे और इस वूल को हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। ये कट कर दिया। आप देखिए अब हम ब्लू कलर की वूल लेंगे। ये देखिए ये वाला जो पार्ट्स है यहाँ से हम ब्लू कलर की वूल से ऐसे करते हुए इसको सॉक्स का शेप देने के लिए हम यहाँ पे ऐसे इतना ये ऐसे खींच के एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये नॉट लगा दी हमने। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सिलाई करके कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम यहाँ पे एक बटन लगाएंगे। आप चाहें तो मोती या फ्लावर या पॉम पॉम कुछ भी लगा सकती हैं, जो भी आप लगाना चाहें। तो देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया और ये मैं ऐसे इस तरह से यहाँ पे बटन को टक कर रही हूँ। ऐसे अब हम यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे ऐसे और इस बूल को कट कर देंगे।